हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी सी, इजी, सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली आलमंड कतली की रेसिपी। कतली बनाने के लिए एक पैन को स्टोव पे रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप वाटर। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी एक बर्तन सेट करें और सारे मेजरमेंट आप उसी से करें। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम, आप देख सकते हैं मैंने शुगर लिया है। ये बहुत ही बैलेंस्ड यहाँ पे मिठास मैं रख रही हूँ। आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप और शुगर ऐड कर सकते हैं। और जितना शुगर लेंगे उसका जस्ट डबल हमें आलमंड फ्लावर लेना है। अब थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। केसर ऐड करना यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें एक तार की चाशनी रेडी करनी है। चाशनी रेडी होने में 2 to 3 मिनट्स के ही टाइम लगेगा। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखें। चाशनी को बॉयल होते लगभग 3 मिनट्स हो गए हैं। चेक कर लेते हैं चाशनी बॉयल हुई है या नहीं। चाशनी गर्म होती है इसलिए थोड़े ध्यान से ये स्टेप को करें और चेक करें। ये देखिए, फिंगर में लगा करके ये देख सकते हैं आप, एक तार निकल करके आ रही है। बस इससे ज़्यादा हमें चाशनी को नहीं कुक होने देना है। चाशनी रेडी है। गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे और 2 कप आलमंड फ्लावर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ब्लेंच्ड आलमंड फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ। मेजरमेंट बहुत ही इजी है, जितना आप वाटर लें उसका जस्ट डबल आपको शुगर ऐड करना है और जितना शुगर ऐड करेंगे उसका जस्ट डबल आलमंड फ्लावर ऐड करना है। अब गैस की फ्लेम को लो पे ही रखेंगे, मिक्स करेंगे और अब 1 to 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे 2 मिनट्स के लिए और भून लेंगे। भूनते हुए बिल्कुल स्मूथ डो सा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब एक बटर पेपर लेंगे और इस मिक्सचर को बटर पेपर पे ट्रांसफर करके इसे नीट करेंगे जिससे कि ये स्मूथ हो जाए और इसमें शाइन आए। मिक्सचर जब हल्का गर्म रहे तभी इस प्रोसेस को करें, पूरी तरह से ठंडा न होने दें। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप कोई भी प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथीन बैग, उस पे आप हल्का सा ऑयल या फिर घी ग्रीस करके इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। इस कतली को बनाना बहुत ही इजी है और इसे बनाने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस मेजरमेंट को फॉलो करके आप और ज़्यादा भी बना सकते हैं। पेपर को फोल्ड करके रोलिंग पिन से इस तरह डो को फ्लैट कर लेंगे। आप जितनी थिकनेस चाहें अपनी पसंद से रख सकते हैं। मैं कतली की थिकनेस को जितने मार्केट में जिस तरह से कतली मिलती है वैसे ही थिकनेस दे रही हूँ। और अब इसकी डायमंड शेप में कटिंग कर लेंगे। आप मार्केट स्टाइल वाला लुक देना चाहें तो इसके लिए आप सिल्वर पेपर या फिर आलमंड से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी टेस्टी सी आलमंड कतली बन करके रेडी है। कोई भी ओकेजन हो आप इसे इजिली अपने घर में बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।